लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण में एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस की हाई लेवल कमेटी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था, जिसका कारण था उनके विवादित बयान। ये वही आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं जिन्होंने हाल ही में राम मंदिर पर भी अपना बयान दिया था और राम मंदिर का ही मुद्दा लेकर अपनी ही पार्टी को जमकर धोया था, जिसके बाद पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और अब उन्हीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की तारीफ में ऐसे कसीदे पढ़ी हैं कि पूरी दुनिया अब उनका ये बयान सुनकर एक तरह से कहे तो अचंभित है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया और अब उन्हीं प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी पर जो कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर ना था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये बयान प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश के संबल में दिया है, जहां आज पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई दिग्गज शामिल थे और इसी कार्यक्रम के लिए हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद पीएम मोदी को इसका निमंत्रण देने गए थे। और इस भव्य कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, वैसे ही प्रमोद कृष्णम को विश्वास था कि पीएम मोदी आएंगे। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। उनका ये बयान जब से आया है तब से ही बेशक कांग्रेस को खासा मिर्ची लग सकती है, और देखा जाए तो उनके कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद भी आचार्य प्रमोद कृष्णम को खासा फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें कि कांग्रेस का राम मंदिर प्रस्ताव ठुकराने पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपना बयान दिया था और कहा था, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं, कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, यह कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। इस फैसले से कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का टूटा है, निमंत्रण को स्वीकार ना करना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। राम मंदिर का उद्घाटन समूचे देश का उत्सव है, जिन लोगों को भी राम मंदिर के उद्घाटन पर जाने का निमंत्रण मिला है उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यह सौभाग्य होगा, निमंत्रण ठुकराना दुर्भाग्य की बात होगी। भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार ना करना दुखद है, ये पीड़ादायक है, ये कष्टदायक है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम की सराहना की हो। इससे पहले उन्होंने पीएम से एक दफा मुलाकात भी की थी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात कर उन्हें श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद उनकी पीएम संग कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी और उस समय कयास लगाए जा रहे थे
कि शायद प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद इन सभी कयासों को सरासर नकार दिया गया था। फिलहाल अब इस खबर पर और जिस तरह से प्रमोद कृष्णम ने पीएम की तारीफ में कसीदे पड़ी हैं, बकायदा इस सभा में पीएम के लिए उन्होंने जो कुछ कहा, इस पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।